प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ। हमारा पता है यूटीडी के नीचे सिरोंजा रोड, पथरिया जाट, सागर। कुदरत के करिश्मे के तौर पर गर्म पानी के झरने हमने और आपने कई देखे, पर जब यदि किसी घर में बोरवेल से ही घर में खौलता हुआ पानी निकलने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, नरसिंहपुर जिले के आम गांव में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां रहने वाले एक जैन परिवार के घर में बने बोरवेल पंप में लगातार गर्म पानी निकल रहा है, जो कोतूहल का विषय बना हुआ है। साथ ही परिवार भी हैरान है। नल की टोटी से आता हुआ गर्म पानी और हैरानी से देखते हुए लोग, यह किसी बाथरूम में गीजर का गर्म पानी नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर से मोटर चालू करने पर सीधा गर्म पानी आ रहा है। आम गांव में रहने वाले राजेश जैन के घर में लगभग 80 फुट गहरे गड्ढे में डली बोरवेल मोटर से 15 दिन से गर्म पानी का स्रोत फूट पड़ा है, और इसके चलते पूरा परिवार बेहद परेशान है, क्योंकि इस पानी का उपयोग करना तो दूर, उसे छूने में भी आपके हाथ जल जाएंगे। वहीं यदि इस पानी को ठंडा करके इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो डर है कि कोई केमिकल ऐसा ना हो जो शरीर को नुकसान पहुंचा दे। परिवार डरा हुआ है और प्रशासन से जांच की मांग की है। हमारे बोरिंग में पहले 15-20 दिन पहले ठंडा आता था हमेशा, लेकिन फिर अभी गर्म आने लगा, तो बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। उसमें क्या समस्या है, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे भी डाला, अधिकारी वगैरह भी नहीं आए देखने। समस्या जा रही है, अगर पीने में लेते हैं तो शरीर को नुकसान करेगा, और अगर और खर्चे में लेते तो और चीज़ में परेशानी, बाहर से पानी लाना पड़ रहा, हमको परेशानी आ रही। अभी अधिकारी वगैरह भी देखने नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। और 16-17 दिन हो गए, कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा। मशीन वगैरह सब चेक, कितना गर्म रहता पानी, हाथ लगाने खोलने लगता, भाप निकलने लगती नहाने। कितना पानी, अगर आप बर्तन भी रख दो तो बर्तन वगैरह भी उठाने में तकलीफ होती, हाँ पानी भरने में तकलीफ होती, इतना गर्म आता है। क्या नाम है आपका? मेरे घर में लगातार 15 दिनों से नल में से गर्म पानी निकल रहा है। मैंने प्रशासन को प्रेस के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या मतलब, क्या बेसिस, खतरा क्या लग रहा है इसके? मुझको ये डर लग रहा है कि कहीं पानी में कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे मेरे को नुकसान हो। मैंने 15 दिन से पानी पीना ही बंद कर दिया, बाहर से पानी लेकर ही मैं पी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रशासन आकर इस पानी की जाँच कर ले, ताकि मैं पूरा संतुष्ट हो जाऊँ और मैं पानी को उपयोग कर सकूँ। जानकार बताते हैं कि कभी कभी पृथ्वी के अंदर भूगर्भ हलचल या क्रियाएं होने से इस तरह की बातें सामने आती हैं, पर भरी बरसात में इस तरह का गर्म पानी महज 80 फुट के अंदर से आना बेहद ही चौंकाता है। हालांकि प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं और पीएचई विभाग के द्वारा सैंपलिंग कर जाँच के लिए भेजा गया है, और जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर गर्म पानी निकलने की वजह क्या है। शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें राज्य समीक्षक आमगांव श्री राय को भेजा गया था, उनने जांच की, शिकायत सही है, और जो गर्म पानी का सैंपल लेकर के पीएचई को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है। क्या उसमें कब तक कार्रवाई कर पाएगी, कब तक निश्चित हो पाएंगे पानी पीने लायक है या नहीं? ये पानी पीने लायक तो अभी नहीं है, और जैसे सैंपलिंग का परिणाम आएंगे उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कब तक लगभग? एक सप्ताह भेजा है। सागर टीवी न्यूज के लिए नरसिंहपुर से अनुज कुमार की रिपोर्ट। प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, जहां आपके लिए है प्राकृतिक माहौल में पार्टी एवं फैमिली रेस्टोरेंट। जो यहां आए एक बार वो यहां आए बार बार। किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, शादी की सालगिरह या अन्य कोई पार्टी, लंच एवं डिनर की उत्तम व्यवस्था, चाइनीज एवं इंडियन व्यंजनों की स्वादिष्ट श्रृंखला, तो एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है यूटीडी के नीचे सिरोंजा रोड, पथरिया जाट, सागर।